सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी, और यहाँ पे जो ऑडियंस बन के आए हैं उनका भी। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मैं टीआरडी टीम का, तो एक बार मैं ताली बजवाना चाहता हूँ टीआरडी के लिए। हम लोग कुछ कहना चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं पाते हैं, या कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कह पाते हैं, शर्म होती है, झिझक होती है, कुछ हमें बताने वाले लोग नहीं होते हैं कि कैसे करके हमें क्या करना है। तो वो काम मुझे अभी जो बताया सर ने, या और भी आगे बताते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, और जो लोग कनेक्ट रहेंगे उनको वैसे भी बताएंगे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है जो चीज़ों यहाँ पे अवेलेबल हुए और जो हम लोगों को मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया जो हम अपनी चीज़ों को कह सकें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और अब मैं धीरे धीरे मैं अपनी एक कविता के ऊपर आता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी कविता है जिसका नाम है मेरे कांपते इन हाथों में कुछ तेरे बारे में लिखा है, फिक्र ना कर सब अच्छा लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं, शायद आप लोगों को सर जी जी तो आपको अच्छा लगेगा, बस थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए होगा, बस मिलता रहे और मैं अपना स्टार्ट करता रहूँगा। ये कहानी आपको समझ में आएगी बीच बीच में कि कहाँ से जा रही है और कहाँ गुजर रही है, तो मैं चाहूँगा कि उसका जो क्लाइमैक्स है वो आपको ना दूँ, वो आप समझें उसके द्वारा, ठीक है। तो मेरा नाम मोहम्मद फारूक और मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे इन कांपते हाथों ने कुछ तेरे बारे में लिखा है, फिक्र ना कर सब अच्छा लिखा है। तेरी मासूमियत को लिखा है, तेरी खामोशी को लिखा है, कि तेरी मासूमियत को लिखा है, तेरी खामोशी को लिखा है, तुझको मैंने अपने प्यार में तड़पते हुए लिखा है। तेरी चाहतों को लिखा है, तेरी मोहब्बत को लिखा है, तेरी चाहतों को भी लिखा है, तेरी मोहब्बत को भी लिखा है, तुझको मैंने अपने प्यार में मरते हुए लिखा है, तुझको मैंने अपने प्यार में मरते हुए लिखा है, फिक्र ना कर सब अच्छा लिखा है। कि तेरी नादानियों को भी लिखा है, तेरी जिदों को भी लिखा है, गौर करिए कि तेरी नादानियों को भी लिखा है, तेरी जिदों को भी लिखा है, तेरे साथ गुजारे वो हर पल के बारे में लिखा है, फिक्र ना कर सब अच्छा लिखा है। थैंक यू सो मच। तो आगे करते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा, कि अपने घर वालों को मेरे लिए मनाते हुए भी लिखा है, अपने घर वालों को मेरे लिए मनाते हुए भी लिखा है, खुद को मेरे लिए घर वालों से झगड़ते हुए भी लिखा है, खुद को मेरे लिए घर वालों से झगड़ते हुए भी लिखा है, फिक्र ना कर सब अच्छा लिखा है, यूं परेशान होकर तेरा रोना भी लिखा है। आगे कि यूं तेरा परेशान होकर रोना भी लिखा है, फिर यूं तेरा मुझसे बात करके मुस्कुराना भी लिखा है, तेरा यूं परेशान होकर रोना भी लिखा है, फिर मुझसे मिलकर मुस्कुराना भी लिखा है, तेरा यूं देर रात जाग कर मुझसे बात करना, तेरा यूं देर रात मुझसे जाग कर बात करना, फिर सुबह जल्दी ना उठने पर घर वालों से डांट भी खाना, तेरा यूं मुझसे मिलकर शर्माना, तेरा फिर मुझसे नजरें ना मिला पाना, तेरा ये मुझसे मिलकर शर्माना, तेरा ये फिर मुझ पर नजरें ना मिला पाना, फिर अचानक से मेरे गले लग जाना, फिर अचानक से मेरे गले लग जाना, तेरे हजार सवालों का एक पल में कह जाना। लिखा है तेरे यूं मुझसे हर पल अपने ख्यालों में रखना, स्टार्ट करता हूं मैं, कि तेरा यूं मुझे हर पल अपने ख्यालों में रखना, तेरा यूं मुझे दुआओं में मांगना, नमाजों में रोना, घंटों सजदों में पड़े रहना, फिर मुझसे बिछड़कर, फिर मुझसे बिछड़ने का सोचकर तेरी आंखों में ये आंसुओं का भराना। कि तेरा यूं मुझे दुआओं में मांगना, नमाजों में रोना, घंटों सजदों में पड़े रहना, फिर मुझसे बिछड़ने का सोचकर तेरी आंखों में ये आंसुओं का भराना, फिर तेरा एक दिन मजबूर होकर सब कुछ हार कर जुदा हो जाना, फिर तेरा एक दिन मजबूर होकर सब कुछ हार कर जुदा हो जाना, तेरा हर ख्वाब का टूटना, फिर कभी ना मुझे मिल पाना, तेरा हर ख्वाब का टूटना, फिर कभी ना मुझसे मिल पाना, मजबूरियों के आगे तुझे हताश लिखा है, मेरे इन कांपते हाथों ने कुछ तेरे बारे में लिखा है, फिक्र ना कर सब अच्छा लिखा है। थैंक यू सो मच। तो आपने बहुत सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और सर ने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो मैंने आज अपनी बात दिल की कही। ये जिक्र था, कुछ लोगों ने समझा होगा कि होता है कि जैसे कि कुछ शादियाँ, कुछ मतलब लव अफेयर रहते हैं तो कुछ दिल से ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं, कुछ लोग उनको बेवफा कह करके उनको कह देते हैं कि नहीं वो किसी और से शादी कर लिया, किसी और से चले गए जा करके, तो मैं उसको प्यार नहीं मानता हूँ कि आपके साथ रहे तब तक प्यार है और जब वो चले गए तो वो प्यार ख़त्म हो गया, कि नहीं नहीं वो तो ये है, वो बेवफा है, वो मक्कार है, वो धोखेबाज है, ये नहीं है। तो मैंने कुछ, वैसे मैं बेसिकली मैरिड हूँ और मेरी एक छोटी सी नन्ही सी बेटी है 1 मंथ की,
और मैंने उसी के लिए मेरा कुछ रिश्ते जुड़े थे जो लव नहीं था, मगर अरेंज के बाद में लव हुआ और उसके बाद में फिर प्यार हुआ, तो प्यार होने के बाद में फिर वो चल नहीं पाया, बट मेरे दिल में अभी भी प्यार बाकी है और उसके दिल में भी। हाँ, वो मायने कुछ अलग और बदल गए, मगर आज भी मैं उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ और वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचती है। थैंक यू सो मच।